दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको ये इडली मार्केट में जो मिलती है पैकेट वाली, आप कोई भी पैकेट ले सकते हो। ये पैकेट वाला टॉप्स की मैं बनाकर बता रही हूँ, चलिए रेडीमेड आइए इडली कैसे बनानी बनाते है हैं। ये? मैंने टॉप्स का लिया है ये पैकेट नया, तो ये पैकेट वाली बनाते हैं। अब ये देखिए, हटो, ये दही है। वैसे आप चावल और जो दाल की बनाते हैं उसको खमीर की जरूरत पड़ती है, इसमें खमीर की जरूरत ही पड़ेगी। ये तुरंत बनता है, ये जल्दबाजी में, अगर आप स्कूल वस्कूल जा रहे हैं बच्चे तो जल्दबाजी वाला काम अच्छा है ये। और इसको, ये एक कटोरी दही लेना है, ये मेरा पूरा पैकेट है, 200 ग्राम का पैकेट है। अगर ये दही है ऐसे करके थोड़ा पतला, अगर आपको कम लगता है तो इसमें पानी डाल सकते हो, उसको फेंटना है। अगर इसमें सब मिला है, आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में ये फूल गया, ये पूरा एक कटोरी दही हो गया। अब इसमें आपको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी शायद, ये जल्दी फूल गया। अब इसको तैयार, बस आइए, आप गैस पर रख देते तुरंत ही इसको निकाल के जल्दी से, क्योंकि गैस ये हो गया, इसमें ज़्यादा फैटने की जरूरत नहीं है। ये अपना तैयार, ऐसा हो गया, तैयार हो गया। अब चलिए आगे, का इसको रखते बर्तन हैं है, इसको। आप इसमें ये थोड़ा घी लगा लीजिए, तेल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इडली में क्या है, तेल में वैसे वो आती है, हीक जैसी आती है, जो नहीं अच्छी लगती है। अब ये फूल गया है, अब इसको इसमें, जब तक ये पानी गर्म हो रहा है मेरा, देखिए पानी गर्म कर दिया है, ये मेरा पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैं इडली इसमें डालती हूँ, देखिए बस 10 से 15 मिनट का है, ये जल्दी बन जाती है। इसमें ये स्टार्टर हो गया मेरा तैयार, मैंने 2 सांचे रख दिए हैं। एक ये है, दो ये बन गए, एक पैकेट में आपकी ये 5, 6, 7, 8, 9 इडली बन गई, 9-10 बन सकती है, 12 इडली। दूसरा सांचा ये रख देते हैं। इसमें आपको नमक मिर्ची कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, सब उसमें मिला है। आप चटनी के साथ खाओ या रूखी खाओ, सब मैच। अब इसको ठीक है, इसकी नारियल की चटनी बना के खाओ, या आप रूखी भी खा सकते हैं, बच्चे हैं वो सब अच्छी लगेगी। हाँ, नारियल की चटनी के साथ तो और भी अच्छी लगेगी, आप हरी चटनी बना सकते हो, नारियल की चटनी बना सकते हो। अब इसको हम 15 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको 15 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट में देखते हैं इसको खोल के कैसा इसका हाल है। ये देखिए बन गए, इसको चेक करने के लिए, ये देखिए साफ है, बन चुकी। अब ये गैस बंद कर देते हैं, 1 गिलास पानी रखा था मैंने इसमें। और आप इसमें सोच रहे होंगे ये मेरा बर्तन इडली का काला काला क्यों है, इसमें एक बार मैंने केक बनाने की कोशिश की थी, जो कभी केक से ये पूरा जल गया था, उसकी वजह से हो गया, ये साफ नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको हम ठंडा होने तक फिर निकालते हैं, फिर प्लेट में निकाल हमारी के। इडली आप बन के तैयार हो गई है, इस तरह की मसाला इडली है। इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, और उसे भी खा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो।